चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, देयर आर थ्री पॉइंट्स एल एम एन, हमें चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग पॉइंट एल और एम को लेते हैं। तो एल है माइनस टू थ्री और एम है यहाँ पे वन और माइनस थ्री, ठीक है। चलिए ऐसे एल एम लेंगे फिर एम एन एंड देन एल एम, सो यू कैन राइट हियर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके तो क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, एल एम इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला, सो वी राइट हियर एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्स वन ये वाई वन हो गया, ये एक्स टू और वाई टू, चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका रूट ऑफ, व्हाट इज एक्स टू वैल्यू, एक्स टू इज वन माइनस ये क्या है माइनस टू, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, प्लस वाई टू क्या है माइनस थ्री माइनस वाई वन कितना है थ्री का स्क्वायर, ये देखिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चलते तो वन और टू कितना हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर, ओके ये हो जाएगा आपका नाइन, थ्री नाइन ये हो जाएगा थर्टी सिक्स। चलिए माइनस का प्लस होता है राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसे ऐड करेंगे, ये हो गया 45। चलिए 45 को फैक्टराइज करके देखते हैं कुछ बाहर आ सकता है क्या यहाँ से। 45 को फैक्टराइज करेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5, देखिए 3 का पेयर बन गया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एल एम इक्वल्स टू 3√5। नंबर वन ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए वी आर ट्राइंग टू डू सेकंड वन। अब सेकंड वन के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से पॉइंट है यहाँ पे, एम एंड एन को लेते हैं, ठीक है। जैसे एल एम हो गया, नाउ वी विल टेक एम एंड एन, तो वन माइनस थ्री और एन के यहाँ पे फाइव एंड फोर। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके व्हाट इज दैट mn, mn इक्वल टू क्या जाएगा आपका रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। जब इसे सेपरेटली लिखते हैं तो आप x1 y1 यहां पे अलग से ले सकते हैं, मींस यू आर राइटिंग फॉर दिस, ऐसा हो गया, ये हम इसके लिए लिख दिए। नाउ mn, mn विल बी इक्वल्स टू, नाउ पुट द वैल्यूज, x2 कितना दिया है 5 माइनस x1 कितना दिया है 1 प्लस y2 कितना दिया है 4 माइनस y1 कितना दिया है माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 4 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस आपका देखिए यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए ऐड करते 65 क्या हो जाएगा आपका, ये रूट ऑफ 65 mn। तो इसको भी फैक्टराइज करके देखते हैं, इट इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, तो 65 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो 5 से 5 इज अ 5 5 3 इज अ 15 नहीं हो रहा राइट, ये पॉसिबल नहीं हो रहा, तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो इसे हम बोल देंगे सेकेंड वन, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। चलिए नाउ आई विल फाइंड आउट द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या दिया हुआ यहाँ पे, क्या है क्या लेंगे हम लोग, बोलिए आप लोग, एम एल एन लेंगे, एल और एन। तो एल है आपका माइनस टू एंड थ्री और एन है फाइव एंड फोर, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला, यू राइट एल एन इक्वल्स टू, अब चलिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं इसको, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सो यू राइट द फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं अभी हम लोग, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सो एल एन विल बी इक्वल्स टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स टू, एक्स टू देखिए यहाँ पे फाइव है
माइनस एक्स वन माइनस टू करेक्ट होल स्क्वायर प्लस वाई टू के यहाँ पे फोर माइनस वाई वन थ्री का स्क्वायर। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फाइव प्लस टू सेवन, सेवन दी स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री वन का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 50, क्या हो जाएगा आपका ये 50, ln हो गया आपका 50। इसे हम फैक्टराइज करके देखते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 5 से कर लेते चलेगा, 5 फिर 2 5 जा 10 then 5 2 से भी कर सकते थे, ठीक है। 5 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो 5 का एक पेयर बना, तो मतलब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। ln क्या हो जाएगा आपका, देखिए ln will be 5 root 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो आप इसे हम ऐड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये 3√5 है, यहाँ पे 5√2 आ रहा है, तो सेम नहीं हो रहा है। अगर बिगेस्ट देखेंगे तो आपका ये बिगेस्ट है, तो इसे हम नहीं निकालते हैं, तो ऐसा इजी हो जाएगा आपको देखने के लिए, राइट। इसे हम यहीं पे छोड़ते हैं, निकाल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी जैसे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैच नहीं हो रहे थे अंदर के, तो कंफ्यूजन हो सकता था। ये फर्स्ट और ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। If you look at that, it MN is the biggest one. तो root 65, तो root 45 और 50 को हम add नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका factorize नहीं हो रहा है, तो मतलब equal नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये possible नहीं हो रहा है, okay? So we can say here, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, देख, तो point क्या था अपना, not equal हो रहा है, right? तो आपको बिगेस्ट लेंथ तो दिख रही है, मैं बिगेस्ट लेंथ क्या दिख रहा है हमें MN, तो स्मॉलेस्ट लेंथ क्या हो जाएगा LN, ये सॉरी LN था, ये LN, राइट। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे LM प्लस LN, राइट, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 45 प्लस रूट 50, ओके, ये इक्वल प्लस नहीं कर सकते, ये हो गया आपका नंबर 4, सो वी कैन से LM प्लस LN इज MN, नॉट इक्वल टू MN, राइट, ठीक है। ये कैसे पता चला, आप बोल सकते हैं दिस इज फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, देयरफॉर पॉइंट्स, व्हिच आर द पॉइंट्स हियर, LM N, LM N are not collinear points. Not collinear points. We can say points LM N are not collinear points. Okay. थर्ड में भी क्या करना है, मैं प्रूव करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, चेक करना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करेंगे, तो आप ले लीजिए R 03 एंड D 21, पहले इसको लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, R D इक्वल्स टू X 2 माइनस X 1 दी होल स्क्वायर प्लस Y 2 माइनस Y 1 दी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 ये है और x2 y2 ये वाला है, चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, ओके। क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 है 2 माइनस x1 क्या दिया आपको 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 1 माइनस y1 3 स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 8, क्या हो जाएगा 8। तो 8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2, कैसे, 8 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 का पेयर बना, राइट। तो आपका यहाँ पे RD, मैं लिखता हूँ दोनों साथ में लिखता हूँ, आपको इजी हो जाएगा कंपेयर करने के लिए, राइट।
सो क्या राइट, आर डी इज रूट एट और टू रूट टू, ये हो गया नंबर वन। चलिए अब चलते हैं सेकेंड, सेकेंड में क्या लेना है आपको डी एस, तो कॉपी डाउन डी है टू वन एंड एस है आपका थ्री माइनस वन, तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका डी एस इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर, एक्स वन y1 x2 y2, ठीक है चलिए। ओके व्हाट इज वैल्यू ऑफ x2, x2 यहाँ पे क्या दिया है 3 माइनस x1 क्या है यहाँ पे 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए यहाँ पे माइनस वन माइनस y1 इज 1 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 1 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर, तो हो जाएगा आपका रूट फाइव, ये बाहर नहीं आ रहा राइट, सो फैक्ट ये रूट फाइव ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी एस, ये हो जाएगा आपका सेकेंड डी एस इज रूट फाइव। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, क्या देखिए आर जीरो थ्री और है आपका एस थ्री एन माइनस वन, ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बार बार, सो आर एस क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ फॉर्मूला क्या है आपका, चलिए फॉर्मूला आपको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है चलिए। What is the value of x2? 3 minus x1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? माइनस वन, फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3 माइनस 0 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का उसका 16 है ना माइनस 4 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 25 रूट 25, देखिए रूट 25 को हम 5 ही लिखते हैं इसलिए मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ, तो आर एस आपका ये हो जाएगा, तो आर एस आप बोल सकते हैं रूट 25 और यू कैन से 5, ये हो गया 3। अगर आप इसमें देखेंगे तो बिगेस्ट कौन सा है, ठीक है तो रूट के अंदर वाला देखते, ये वाला नहीं देखते, ये रूट 8 है, ये रूट 5 है और ये रूट 25, सो आर एस इज द बिगेस्ट वन रूट 25, पर आप इनको रूट एट और रूट फाइव को ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट राइट रूट 13 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है लाइक सर्ट्स नहीं बोल सकते, ठीक है ये सर्ट्स फॉर्म हो गए ना, तो ये लाइक टर्म नहीं ऐसे भी हम बोल सकते, तो लाइक टर्म आपको समझेगा जैसे ये टू रूट टू आया, अगर यहाँ पे थ्री रूट टू होता तो हम लोग बोलते रूट टू मैच हो रहा है राइट, तो हम लोग वहाँ पे कुछ कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, तो आप ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है वहां से देखिए, ये रूट एट है रूट फाइव है और रूट 25, तो रूट 25 बिगेस्ट वन हो गया, ठीक है चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो बिगेस्ट वन क्या है आपका यहाँ पे इसे याद रखते हैं, ये टू रूट टू था, ठीक है फर्स्ट वन टू रूट टू था आर डी, सो यू कैन राइट हियर आर डी प्लस डी एस, आर डी प्लस डी एस क्या था यहाँ पे रूट एट प्लस रूट फाइव, ओके सो यू कैन नॉट ऐड, तो इसे नंबर दे दो आप 4 और आर एस क्या है यहाँ पे रूट 25, ठीक है अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप समझ गए हैं कि ये रूट वाला समझने के लिए एक्चुअल आपको ये फाइनल जो है ना वो लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते भी चलिए टू रूट टू प्लस रूट फाइव दोनों ऐड नहीं कर सकते लाइक सर्ट्स नहीं है Like terms नहीं बोल सकते, आर एस क्या हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका नंबर थर्ड, सो व्हाट यू कैन राइट हियर देयरफॉर आर डी प्लस डी एस इज नॉट इक्वल टू आर एस, दिस इज फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सो यू कैन से देयरफॉर पॉइंट्स आर डी एस
R, therefore point RDS are non-collinear points, ठीक है, non-collinear points या लिख सकते हैं not collinear points भी चलेगा, not non दोनों भी mention कर सकते हैं, ठीक है, तो point RDS क्या हो गया आपका non-collinear points. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं हम लोग. फोर में दिया है आपका ये पी क्यू आर, तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे. तो पहले पी को लेते हैं, पी क्यू सॉरी माइनस टू थ्री, क्यू है आपका वन टू, राइट, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. तो जगह x1, y1, x2, y2, ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू करते हैं यहाँ पे. तो जगह x2 क्या देखे यहाँ पे 1 minus x1 क्या है minus 2 का whole square plus y2 क्या है यहाँ पे 2, y1 है 3 का whole square, right, ये जगह आपका plus, so this become 1 प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर, देख लीजिए आप, राइट, सो दिस बिकम 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 10 फैक्टराइजिंग हो रहा है, ठीक है, बाहर कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, तो आपका पी क्यू हो गया 10, तो आप इसे देख दे वी कैन गिव नंबर 1, ये हो गया पी क्यू इज, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, अभी PQ हो गया तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे QR, ठीक है, QR फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी आपको, यहाँ पे लिखते हैं Q1 2 एंड R हो गया आपका 4 1, तो यहाँ भी हो जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके क्या फॉर्मूला यहाँ पे, QR इक्वल्स टू, सो यू कैन राइट हियर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है. चलिए ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है. चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, 4 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 4 सॉरी y2 1 1 माइनस y1 कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा रूट 10. ओके तो क्यू आर कितना मिला रूट 10, तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू आर हमें मिल गया रूट 10 नंबर सेकेंड. चलिए थर्ड राउंड फाइंड करते हैं, तो मेरे ख्याल से रूट 10 आया, 2 रूट 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2 रूट 10 आना चाहिए. नाउ लास्ट वन है पी एंड आर, माइनस 2 3, आर क्या यहाँ पे 4 1, ठीक है. चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके तो हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस हो जाएगा पी आर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब चलिए इसकी वैल्यू को रख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 है आपका 4 माइनस x1 कितना है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 1 माइनस y1 क्या दिख रहा है 3, राइट, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 40, राइट. चलिए पी आर यहाँ तक आपको मिला है 40, अब इसको 40 को फैक्टराइज करते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए 2 रूट 10, 2 2 सा 4 20 हो गया, 2 10 सा 2 5 सा 5 1 सा, देखिए मिल गया, फिर ये हो गया 2 का पेयर, ये हो जाएगा 2 रूट 5 2 सा 10, ठीक है, इसे मैं एक साथ ही लिख देता हूँ. चलिए पी आर इज 2 रूट 10, आपका थर्ड. अब यहाँ पे देखो आप,
2√10 is bigger than these two. तो आप ये दोनों को ऐड करोगे तो √10 कितना आ जाएगा 2√10, मतलब ये आपको क्या मिलेगा आंसर, ये हमें मिल रहा है कोलिनियर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं कोलिनियर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख के आंसर, लास्ट के आंसर को हम देख के बता देंगे हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको भी, सो वी कैन ऐड दिस वन, PQ plus QR, √10 plus √10, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, ये हो जाएगा 2√10, यहाँ पे लिखता हूँ PQ plus QR, तो हो गया आपका 2√10। तो ये हमने कहाँ से ऐड किया, ये आपका है फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। इसे हम दे देंगे नंबर 4, ये देखिए आपका 4 है, ओके। तो कंपेयर करते हैं, तो 4 एंड थर्ड को देखिए पीआर, 2√10 आंसर है, 2√10 और ये भी 2√10, सो वी कैन से पीक्यू प्लस क्यूआर इज इक्वल्स टू पीआर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, what do you say then, लोग बोल सकते हैं therefore points, which points, therefore points P Q R are collinear, क्या बोलेंगे collinear points, ठीक है। इस तरह हम बोल सकते हैं P Q R क्या है collinear।